सर हिंदुत्व पे जबरदस्त बवाल चल रहा है, और अभी अभी आपसे जब बात हो रही थी तो बीच बीच में ट्विटर में खंगाल रहा था। योगी आदित्यनाथ को सर सुन लीजिए पहले, उसके बाद ये जो गंध मचाने वाले लोग हैं उसको बाबा ने क्या संदेश दिया। जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, उसे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, पर इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। उम्मीद योगी आदित्यनाथ से ही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो रावण से नहीं मिटा, जो कंस और बाबर और औरंगजेब से नहीं मिटा, उसे ये सत्ता के परजीवी, जो हम लोग खैराती कहते हैं ना सर, वही उन्होंने कहा सत्ता के परजीवी। परजीवी और खैराती एक ही होते हैं। योगी बड़ा संदेश, बड़ी लकीर तो खींच दिया आज। और अभी अभी जानकारी मुझे मिली है सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों के कुछ उससे, इस सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर के एक याचिका दाखिल कर दी गई है। अब देखते हैं कि अदालत का क्या स्टैंड होता है। लेकिन योगी ने क्या संदेश दिया है इस मायने से? माने जी योगी, आप योगी पे आते हैं, ये बताइए कि याचिका क्यों दाखिल कर दी पड़ी? 262 लोगों ने 2 दिन पहले जब वहां पे लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि स्वतः संज्ञान लेने के लिए, तो क्या आपत्ति थी, क्यों नहीं लिया स्वतः संज्ञान? तो ये बड़ा खेल है, ये सवाल एक इनपे इसका जवाब देना चाहिए। हर बार तो स्वतः संज्ञान ले लेने वाले उन, उसमें मनीष जी IAS IPS बड़े दिग्गज लोग, उसकी एक दिन सूची में नाम पढ़ूंगा तो लोग चौंकेंगे। कम से कम 50 से ज्यादा तो जज हैं उसमें रिटायर्ड, उन लोगों ने लिखा है, कोई किसी नेता ने नहीं लिखी है। और उस पर उज्जत तो वो उस पर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया? चलिए देखिए याचिका में क्या कहते हैं, तो इसका इंतजार किया जाएगा। अब आते योगी पे, तो मनीष जी कल प्रधानमंत्री का ये जैसा कि खबरें आ रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पलट के इनका प्रतिवाद करो, इनको जवाब दो, तो उसी का हम लोग परिणाम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद ये कहिए योगी आदित्यनाथ देश में बहुत बड़े, सबसे बड़े कह सकता हूँ सनातनी चेहरे हैं जो राजनीति में हैं। धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो आज वो बोले और बहुत मुखर होके बोले, यही अपेक्षा थी, और इसी इसी अंदाज में इनको जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मनीष जी इसके जरा राजनीतिक कारण दर्शक समझे, ये केवल सनातन धर्म और सनातन धर्म को गाली देने वालों के बीच का झगड़ा नहीं है। जो बात योगी बाबा ने कही कि रावण और कंस और औरंगजेब और बाबर वो नहीं मिटा पाए, तो इनकी क्या औकात है? सब सतही लोग हैं, सजा याफ्ता अपराधी प्रवृत्ति के लोग, अपराधी हिस्ट्री सीट वाले लोग, ये क्या सनातन को मिटाएंगे? लेकिन मनीष जी इसके जरिए एक दूसरा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये सनातन को गाली दे कौन रहा है? इनका कौन सा, शंकर जी ने या विष्णु जी ने इनके बाप को मार दिया था?
मरे होंगे इनके बाप, जिसमें कुछ लोगों के बाप मर चुके होंगे, कुछ को मरेंगे, तो यही कहे वो राम नाम सत्य कहते हुए ही पहुंचे होंगे, तो वो गाली दे रहे हैं। तो वो असल में मनीष जी दे रहे हैं राजनीतिक रूप से समाज को विभाजित करने के लिए, जो काम नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था, 2017 में योगी के आने के बाद जो उत्तर प्रदेश में और उसमें मजबूती आ गई, उसको इस समाज को बांट दो। जो एक वो तबका है जिसकी वजह से सत्ता में भाजपा लगातार आ रही, तो वो हिंदू समाज है, तो उसको बांटो कि तुम दलित हो, तुम अति दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो। और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो हिंदू समाज को एक बांधने वाले सूत्र है, उस सूत्र को ही इन्होंने काट देने की, तोड़ देने की साजिश शुरू की सनातन को गाली दे के। और ये काम क्योंकि एक बार इनका सफल हो चुका, लेकिन इसका परिणाम भी बता दूं तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये कितने दोगले और कितने सस्ते और कुछ अपने क्षणिक फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोग हैं। मनीष जी, इसका सबसे बड़ा जो प्रयोग हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, जब सपा बसपा का 93 में गठबंधन हुआ, तब उसी में नारा लगा था कि मारो जूते चार और हवा में उड़ गए जय, मतलब भगवान राम को बता रहे थे कि मेरे मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मुलायम और काशी राम के चक्कर में जय जय श्री राम को उड़ा दे रहे थे, इस कदर ये पगलाए थे। और तब भी ये खैराती उसका कभी उसमें नहीं जाते कि दर्शक जान ले कि तब भी ये नहीं जीते थे, भाजपा की तब भी एक सीट इनसे ज्यादा थी, इनको संभवतः 175 मिली थी, भाजपा को 176 सीटें मिली थी, बाद में कांग्रेस आंग्रेस मिलकर इन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन वो सरकार बनना बहुत बढ़िया हुआ था उस सरकार ने, कि इनका सनातन विरोध और इनका दलित प्रेम और फलाना दिवाका, सारी नौटंकी की कलई खुल गई थी मनीष जी की 93 दिसंबर, दिसंबर 93 में सरकार बनी और जून 95 में जूता चल गया। वो मायावती आज तक चिल्ला चिल्ला के कहती कि मुलायम सिंह मेरी हत्या करवाना चाहता था, बाकायदे वो FIR करवाई थी मायावती ने। और एक नहीं, सन 95 से लेकर 2019 तक तो जो समझौता हुआ था तब तक, यानी 24 साल तक मायावती बार बार मुलायम सिंह को हत्यारा, गुंडा, अपराधी क्या नहीं कहा। तो इनका मेल जोल समझ लीजिए कैसा, इनका जो समाज की बात आते कि सनातन विरोधी समाज इकट्ठा करना चाहते हैं, उनमें इनकी खुद कितने हल्के और सतही लोग हैं कि जैसे ही इनको सत्ता मिली तो एक दूसरे की हत्या कराने पर ये अमादा हो गए थे सत्ता के लोभ में। जिस दलित का चोला पढ़ के पहन के साथ लेकर मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी, तो ये वो लोग हैं। और इन्होंने दोबारा वही 93-94 का खेल यहाँ पे फिर दोहराने की कोशिश की है कि किसी तरह समाज में विभाजन कर दो, लेकिन ये सफल नहीं होंगे मनीष जी। बिल्कुल। और सब कुछ दिख रहा है कि देखिए कमाल की बात है कि अपने आप को कृष्ण के वंशज कहने वाले यादव परिवार वाले जितने हैं, इन सबसे जब पूछा जा रहा है स्टालिन का, वो लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी का नौवीं पांचवी नौवीं फेल बच्चा जो है, जो GDP का मास्टर है, उससे पूछा गया कि आपने पता कि स्टालिन के बेटे ने क्या कहा, ना मैंने नहीं सुना है, जरूरत की चीजें ये नहीं सुनते। कमाल की बात यह कि आपको क्यों क्या लगता है सर कि इतनी इस स्तर तक गए हो, उसके बाद भी जो अपने आप को घोर सनातनी कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो यदुवंशी हैं, इन सब ने चुप्पी लगा ली। क्या इन्हें ये लगता है कि इसको जब सनातन को गाली दी जाती है तो इनका जो तुष्टीकरण का वोट है वो खुश होता है, ये क्यों उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते? ये मनीष जी अपने तुष्टिकरण वाले वोट को खुश करने के लिए ही सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, ये भी समझिए कि ये उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि सब इकट्ठे इन्हीं के साथ लामबंद हो जाएं। और उनको देखिए आते तो हैं वो दाढ़ी बड़ा डेढ़ फुटी कि बड़े कार्टून बने, वो कैसा हंसते हैं जब जब ये कांग्रेसी, ये सपाई, ये और RJD के, जदयू के, ये इनके प्रवक्ता बैठ के जब स्टालिन के लड़के की करतूत को, कुकर्म को सही ठहराने की कोशिश करते हैं तरह तरह की बातों से, तो वो बगल में बैठा साजिद रशीदी खलनायक की तरह मुस्कुराता है कि चलो जो जयचंद गौरी को मिला था तो वैसे कई जयचंद हमारे पास भी हैं, तो वो इनको देख के करता है। लेकिन मनीष जी, इनसे जरा पूछा जाना चाहिए, उस स्टालिन के लड़के को एक लालू के लड़के की फोटो दिखानी चाहिए कि वो जो छोटा वाला है वो शायद पांचवा ही फेल है, पांचवा पास है, फेल है, कि वो कभी कृष्ण जी बन के, कभी शंकर जी बन के, कभी भगवान राम बन के, कभी हनुमान बन के अपने वीडियो डालता है, फोटो डालता है। तो उससे पूछा जाना है कि स्टालिन के लड़के से पूछा जाना चाहिए कि इस लालू के लड़के को तुम कब खत्म करोगे, इससे पूछे जाके भाजपा के नेता बड़े बड़े पोस्टर बनवाए उसके,
जो तेज प्रताप यादव के फोन वीडियो है कि सबसे पहले तो जो तुम दुनिया का ठेका बाद में लेना, जिसके साथ तुम गैंग मरा रहे हो, तुम्हारा बाप जिसके पैर छू रहा है, जिसके जाके गुलामी कर रहा है, उसके लड़के को तुम मिस्टर उदयनिधि कब खत्म करोगे इस धरती से? क्योंकि ये सनातन धर्म का ये तो पोस्टर है, ये तो ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। तो जरा तेज प्रताप यादव के बारे में उदयनिधि बतावें, और तेज प्रताप उदयनिधि के बारे में बता कि वो उसके खत्म करने पे आमादा है। तो क्या ये कौन सा सांप और निवला, एक साथ हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए कैसे गा रहे हैं? ये देश इसमें असमंजस में है, ये भ्रम की स्थिति मेरे ख्याल से तेज प्रताप यादव को भी दूर करनी चाहिए और उदयनिधि को भी करनी चाहिए। जी।